नमस्कार दोस्तों, बुधवार को हमारा राष्ट्र सबसे प्रतिष्ठित 20 मिनटों में से एक से गुजरेगा, जब विक्रम लैंडर शाम को हमारे चंदा मामा की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास करने जाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास प्रज्ञान रोवर के साथ विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास करके इतिहास रचने के लिए पूरी तैयार है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आप भी इसके लिए बहुत आनंदित हो रहे होंगे। इस 20 मिनट की अंतिम यात्रा को हम रोमांचकारी क्षणों को कह सकते हैं, जिसे मैं कहूँ तो T20 क्रिकेट के मुकाबले के अंतिम 20 मिनट से तुलना कर सकते हैं। इसकी यात्रा के अंतिम 20 मिनट के रोमांचकारी क्षणों को इसरो के निर्देश पर विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। विक्रम लैंडर 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, जो लगभग 6048 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो किसी हवाई जहाज के गति से 10 गुना तेज है। इसके बाद विक्रम लैंडर के सभी इंजन चालू हो जाएंगे और ये साथ ही साथ अपनी गति में धीमा होता जाएगा, लेकिन ये चंद्रमा की सतह पर हॉरिजेंटल होगा। इसे ही रफ ब्रेकिंग चरण कहा जाता है, जो लगभग 11 मिनट का रहता है। दोस्तों, हमारा चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड करे, ये बात आप कमेंट में जानकारी दें, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।